एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज बी कीपिंग, आल्सो नोन एज एपिकल्चर। सो बी कीपिंग इज द मेंटेनिंग ऑफ हाइव्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स होते हैं छत्ते, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। सो हनी क्या है, इसके अंदर पहला पॉइंट, इट हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेकेंडली, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिकल, मेडिसिन साइंस में भी इसका यूज होता है, यूज फॉर मेडिसिन, मेडिसिनल पर्पस। सो जो हनी बीज होते हैं वो सिर्फ हनी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके अलावा बी वैक्स, बी वैक्स जो उनके हाइव से हमें मिलता है हनी के साथ साथ, सो बी वैक्स इसकी भी इकोनॉमिकल वैल्यू है। इकोनॉमिकल वैल्यू कैसे, कि ये यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस, पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स। सो जो बी कीपिंग है, इसकी जो प्रैक्टिस है, ये इसमें ज़्यादा जो है, मतलब टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, बट जो स्पेसिफिक मेथड्स हैं उनका जो प्रोसीजर है वो क्लीन और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो फर्स्टली, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया, एनी एरिया वेयर देर आर सफिशियंट बी स्पीशीज, जहाँ पे बीज की जो स्पीशीज है वो प्रेजेंट होंगी, और उसके अलावा वाइल्ड श्रब्स प्रेजेंट होंगी, फ्रूट ऑर्किड्स, जो फ्रूट्स के बाग हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, फ्रूट ऑर्किड्स, एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। सो बीज क्या है, बीज पोलिनेशन में भी हेल्प करती है, बीज पोलिनेशन में हेल्प करती है, और यहाँ से क्या करती है, जो प्लांट स्पीशीज हैं उनसे वो नेक्टर लेती है, जिसे वो हनी में ट्रांसफॉर्म करती है। सो ये सर्टेन कंडीशंस हैं कि बी कीपिंग के लिए, बी कीपिंग जहाँ पे करी जाती है उसके आसपास वाइल्ड श्रब्स होनी चाहिए, फ्रूट ऑर्किड्स होने चाहिए, या फिर कल्टीवेटेड क्रॉप्स होने चाहिए। उसके बाद बीज की बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल है अराउंड द वर्ल्ड, बट मोस्ट कॉमनली जो स्पीशीज यूज होती है, मोस्ट कॉमन, वन मार्क क्वेश्चंस में ये आ जाता है एक बार कि मोस्ट कॉमनली यूज स्पीशीज फॉर बी कीपिंग इज, सो द आंसर इज एपिस इंडिका। उसके बाद जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है बी कीपिंग के लिए, सो फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। हर एक स्पीशीज के अलग हैबिट्स हैं, उनके अलग अलग नेचर्स होते हैं, सो उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो बी कीपर है उसको। सेकेंड पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। सो बी कीपिंग के लिए जो लोकेशन है, इट कैन बी इन योर हाउस, वरांडा हो सकता है, ठीक है, और कोई भी पार्ट हो सकता है, रूफ हो सकता है हाउस का, पर उसके आसपास जो है इनमें से एक कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो बीज है वो नेक्टर ले सके। सो सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए। उसके बाद कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, स्वॉर्म्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ हनी बीज। सो ग्रुप ऑफ बीज की कैचिंग की जाती है, थर्ड पॉइंट ये है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स,
अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप है जो हनी बी चूज करती है वो भी चेंज होती है। सो उसके अकॉर्डिंग उसकी हैबिट में और जो हनी की क्वालिटी है उसमें चेंजेस आते हैं। सो उसकी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो क्वालिटी है हनी की वो डिग्रेड ना हो। उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। सो इट इज़ द लास्ट पॉइंट, जब जो बी हाइव है पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है, सो उससे हैंडलिंग के लिए कलेक्शन किया जाता है हनी का और बी वैक्स का। सो इसमें क्या होता है, जो हनी बी की क्वीन बी होती है, क्वीन बी को छत्ते से कैसे भी करके सेपरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वर्कर बीज हैं उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रोका जाता है कि हनी बी है जो उसकी स्पीशीज है जो उसको कोई भी नुकसान ना हो। सो आफ्टर बी कीपिंग नेक्स्ट टॉपिक इज फिशरीज। सो फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश। फिश के अलावा और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, शेलफिश है, क्रैब्स हैं और प्रॉन्स हैं, वो भी यूज होते हैं। सो जो लार्ज पॉपुलेशन है कोस्टल एरियाज के स्पेसिफिकली, जहाँ पे समुंदर के साथ अटैच है लैंड, कोस्टल एरियाज, वहाँ की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो फिशरीज पे डिपेंड करती है फॉर इनकम। सो एग्जाम्पल हमें याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सी जो स्पीशीज है यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। जो फ्रेश वाटर में फिशेज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज कटला, सेकेंड रोहू एंड द थर्ड इज कॉमन कार्प। सो ये फ्रेश वाटर फिशेज की स्पीशीज है। सेकेंड इसके बाद आता है मरीन वाटर। मरीन वाटर में जो है, तो यहाँ पे मरीन वाटर के अंदर जो स्पीशीज है उनका अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। सो फर्स्ट वन इज हिल्सा, सेकेंड वन इज मकेरल, सर्डाइंस एंड द लास्ट वन एग्जाम्पल इज पोमफेट्स। इसके अलावा भी और बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल हैं। सो फिशीज इम्पोर्टेंट प्लेस है फिशीज का इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये प्रोवाइड करती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट फिशरमैन को और फार्मर्स को। सो फिशरीज की जो टेक्निक्स हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई है उसको फिशरीज में अकाउंट करके जो फिशरीज के मेथड्स हैं उनको डेवलप किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने सुना था, बट जो फिशरीज टेक्निक्स हैं, जो क्वालिटी है, जो यील्ड है इम्प्रूव हुई है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं डेट इज ब्लू रेवोल्यूशन। सो आज हमने बी कीपिंग और उसके अलावा फिशरीज के बारे में पढ़ा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।